بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور जनाब सदर महतरम बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम दूर और पास से तशरीफ़ लाए मुहतरम सामईन नौजवान साथियों प्यारे बच्चों और इस्लामी माओ बहनों मौजू आप लोगों को मालूम है। मौजू है आखिरत की फ़िक्र कीजिए और बग़ैर किसी तमहीद के सीधे हम अपने मौजू पर आते हैं। प्रोग्राम का जो टाइम है वो आप लोगों को मालूम हो चुका है और अभी मेरे बाद भी आपको एक तकरीर और सुनना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया, मर्द का औरत, दिन का रात, चांद का सूरज, जानवरों के अंदर भी जोड़े होते हैं, यहाँ तक के हमें साइंस ने ये बताया कि पेड़ पौधों के अंदर भी जोड़े होते हैं, उसमें भी एक मेल और एक फीमेल होता है। जब हर चीज़ का जोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया तो ज़रूरी था कि इस दुनिया का भी कोई जोड़ा हो,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया का भी एक जोड़ा बनाया, और उस जोड़े का नाम आपको पता है, उस जोड़े का नाम आखिरत। इसका मतलब यह है कि आप समझ गए मेरी तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का जोड़ा आखिरत, हर चीज़ का जोड़ा है, और आखिरत ऐसी चीज़ है कि उसका इनकार नहीं किया जा सकता। कम से कम मुसलमान कलमा पढ़ने वाला तो इनकार नहीं कर सकता, बाकी दूसरे कोई और करें वो करें, लेकिन कलमा पढ़ने वाले के लिए इनकार की गुंजाइश ही नहीं। इनकार तो छोड़ो, शक की भी गुंजाइश नहीं। क्यों? कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, जो गया वो तो आया नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं, आज तक कोई गया उसने आके बताया कोई नहीं, नहीं ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? एक बड़ी मशहूर हदीस है, और हदीस की अक्सर किताबों के अंदर उसको बयान किया गया, लंबी हदीस है, मैं अपने मौजू की मुनासिबत से उसका एक टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। प्यारे नबी के पास जिब्रील अमीन एक मर्तबा इंसान की शक्ल में आए और कई सवाल किए, उसमें से एक सवाल ये भी था कि मल ईमान, ईमान क्या है, ईमान कहते किसको हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि। फरमाया, छह चीज़ों के ऊपर तुम्हारा ईमान होना चाहिए, तुम्हारा यकीन होना चाहिए, तब ईमान होगा। पहली चीज़, अल्लाह पर ईमान लाओ, व मलाइकति ही उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, व कुतुब ही और उसकी किताबों पर ईमान लाओ, व रसूल ही और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। पाँचवें नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाओ, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही और अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर भी ईमान लाओ। इन छह चीज़ों के ऊपर जब तुम्हारा ईमान होगा तब मुसलमान होगे, इस्लाम लाने वाले कहलाओगे। इन छह चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर और हदीस के इस टुकड़े के अंदर बयान फरमा दिया। छह चीज़ें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता या अल्लाह के बारे में मुझे शक है, बताओ वो दायरा इस्लाम के अंदर रहेगा या दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा? बताइए आप क्या कहते हैं, रहेगा वो जो अल्लाह का इनकार कर दे? अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह को तो मानता हूँ व मलाइकति ही लेकिन उसके फरिश्तों को नहीं मानता, मैं जिब्रील को नहीं मानता, इसराफील को नहीं मानता, खबर के अंदर जो फरिश्ते सवाल करते हैं मैं उनको भी नहीं मानता, मुनकर नकीर जो इंसान के साथ में रहते हैं मैं उनको भी नहीं मानता, मैं फरिश्तों का इनकार करता हूं लेकिन अल्लाह को मानता हूं, बताइए आप क्या कहते हैं? क्या ऐसे आदमी के बारे में ये कहा जाएगा कि ये मुसलमान है? क्या ऐसे आदमी के बारे में इस्लाम और मुसलमान का उसको मुसलमान बोला जाएगा? बोलिए। अच्छा, वो ये कहने लगे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसके तमाम फरिश्तों को भी मानता हूँ, वकुतुबिही लेकिन मैं उसकी किताबों को नहीं मानता, मैं तौरात भी नहीं मानता, ज़बूर भी नहीं मानता, इंजील भी नहीं मानता, मैं कुरान को भी नहीं मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूलों को मानता हूँ, मैं फरिश्तों को मानता हूँ लेकिन किताबों को नहीं मानता, मेरा किसी भी किताब पर ईमान नहीं है, बताओ मुसलमान रहेगा कि नहीं? अगर वो ये कहने लगे मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूलों को भी मैं अल्लाह को मानता हूँ, फरिश्तों को भी मानता हूँ, किताबों को भी मानता हूँ, लेकिन हाँ व रसूल ही
मैं रसूलों का इनकार करता हूँ, मैं आदम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल भेजे अल्लाह ने, जितने भी नबी भेजे, मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं सबका इनकार करता हूँ। बताओ वो मुसलमान रहेगा कि नहीं? अच्छा, अब उसने ये चार चीज़ें तो मान ली, अल्लाह को भी मानता है, फरिश्तों को भी मानता है, किताबों को भी मानता है, रसूलों को भी मानता है, लेकिन पांचवीं चीज़ के बारे में वो ये कहने लगे कि सुनो, मैं ये चार चीज़ों को तो मानता हूँ लेकिन आखिरत के दिन को नहीं मानता। तो बताओ वो ऐसा इंसान मुसलमान रहेगा कि नहीं? दायरा इस्लाम के अंदर रहेगा या वहाँ से खारिज हो जाएगा? बोलो। तो आखिरत ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शक किया जाए? ये अकीदा है हमारा, अकीदा। मुशरिकीन मक्का तो यही कहते थे ना, आइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफातन इन्ना लमबऊसूना खलकन जदीदा, जब हम मर जाएंगे मेरी हड्डियां मिट्टी हो जाएंगी, हमें दोबारा उठाया जाएगा। उनको शक था, मुसलमानों को उसमें शक भी नहीं होना। इनकार तो छोड़िए, आप शक भी नहीं कर सकते, ये ऐसा अकीदा है। तो समझ में आया, आखिरत पर ईमान हमारे ईमानियात के अंदर दाखिल। अब मैंने आपको जब इतना बता दिया कि आखिरत है और ये हमारे ईमान और अकीदे में शामिल है, तो हमें पता चला कि आखिरत होना है, आखिरत आना। अब क्या करना क्या है? मौजू आखिरत की फिक्र कीजिए। किस तरीके से कीजिए, आइए मैं आपको बता दूँ। अल्लाह फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से, तुरजऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम सारे के सारे लोगों को अल्लाह के सामने लाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह ने यौमन का लफ्ज़ कहा, और यौम के माना अरबी के अंदर दिन होता है, यानी कोई ऐसा दिन आने वाला है जो हमारे दिनों की तरह शनिचर इतवार सोमवार और मंगल का दिन नहीं होगा, बुध और जुमरात का दिन नहीं होगा, बल्कि कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हम सारे के सारे लोगों को अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया जाएगा। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम सारे के सारे लोगों को अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला जो भी इस दुनिया के अंदर आया होगा, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, बोलो ये अकीदा है कि नहीं? ऐसा होना है कि नहीं होना? होगा ना? उस दिन खड़े होने की तैयारी करना है, वहां जो खड़े हों उसकी तैयारी करना है। हमें भेजा ही दुनिया के अंदर इसलिए गया कि उस दिन जो खड़ा किया जाएगा उसकी तैयारी करके आना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वही अल्लाह है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? आगे जवाब दिया जा रहा है लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमा ले, तुम्हारा इम्तहान ले ले, तुम्हें जांच ले, तुम्हें परख ले। अय्युकुम अहसनु अमला, कि जब तुम मेरे पास में लौट कर आते हो तो तुम में से कौन बेहतरीन अमल करके मेरे पास में आता है? दुनिया के अंदर भेजा ही इसलिए गया। आज हम अपनी आँखों से देखते हैं, इंसान दुनिया के अंदर आता भी है और दुनिया से जाता भी है। हम कितनों की ज़िंदगियां अपनी आँखों से देखते हैं और कितनी मौतें भी हम अपनी आँखों से देखते हैं। और तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा ये मौत जो तुम्हें दुनिया के अंदर आ रही है, इस मौत को भी मौत आ जाएगी, इस मौत को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तिर्मिज़ी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा कान यौमुल क़ियामति उतिया बिल मौत कल कब्श, जब कयामत का दिन होगा
मौत को एक मेंढे की शक्ल में, एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा। फयूकफ बैनल जन्नति वन्नार, और उसको जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा कर दिया जाएगा। फरिश्ता आवाज लगाएगा, या अहलल जन्ना व या अहलल नार, ए जन्नतियो ए जहन्नमियो। जन्नती देखने लगेंगे, जहन्नमी भी देखने लगेंगे। फरिश्ता कहेगा, जानते हो ये क्या है? जवाब दिया जाएगा कि ये मौत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फयूकफ़ु बैनल जन्नति वन्नार फयुज़बहु, और उसको ज़बह कर दिया जाएगा। मौत को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, मौत को भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा। आज मौत को भी मौत आ जाएगी। फिर आवाज़ लगाएगा फरिश्ता, ऐ जन्नतियो तुम हमेशा में जन्नत के अंदर रहो, अब तुम्हें मरना नहीं है, और ऐ जहन्नमियो तुम हमेशा में जहन्नम के अंदर रहो, तुम्हें मरना नहीं है। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये ऐलान सुनने के बाद जन्नती लोग तो खुश हो जाएंगे क्योंकि वो तो नेमतों में होंगे, और जहन्नमी लोग अफसोस के मारे कहेंगे, हम तो ये सोच रहे थे कि जलते जलते एक दिन हमें मौत आ जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन अब तो मौत को भी मौत के घाट उतार दिया गया है, अब हमारे यहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मुझे मौत भी नहीं आनी है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, वही अल्लाह है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमा ले, तुम्हें जांच ले, परख ले, इम्तहान ले ले कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। तो ये दुनिया क्या है? दुनिया अमल करने की जगह है, दुनिया इम्तहान की जगह है, दुनिया अमल की जगह है। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, पेपर दिए होंगे, पेपर हुआ, चलिए भाई आपका पेपर ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट कब मिलेगा? रिज़ल्ट कल मिलेगा। रिज़ल्ट कब मिलेगा? रिज़ल्ट 10 तारीख को मिलेगा, चलिए जाइए। रिज़ल्ट कब मिलेगा? एक महीने बाद मिलेगा, ऐसा ही होता है ना, बता दिया जाता बाद में आएगा रिज़ल्ट, बाद में लीजिएगा। यहाँ आप इम्तहान दे रहे हैं, रिज़ल्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, रिजल्ट आपको आखिरत में मिलेगा, ना मैं आमाल की शक्ल में मिलेगा। आप कैसी कॉपी भर रहे हैं, कितना लिख कर आ रहे हैं, कितना करके जा रहे हैं, ये रिजल्ट आपको बताएगा कि आपने क्या किया। आप पास हैं, फेल हैं, वहां मिलेगा ये रिजल्ट। इस वक्त आप इम्तहान के अंदर, हम उस इम्तहान की कोई तैयारी कर रहे हैं? लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमा ले, तुम्हें जांच ले, तुम्हें परख ले कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन बेहतरीन अमल करके आता है। अब यहाँ गौर करने की बात, अल्लाह ने कहा कि बेहतरीन अमल, अब बेहतरीन अमल होते क्या हैं? बेहतरीन अमल वो है जिस पर अल्लाह की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई, अल्लाह का फरमान हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का तरीका हो, उसको अच्छा अमल कहा जाता है। हम अपनी तरफ से कोई अमल बना लें और उसको कहें ये अच्छा अमल है, वो अच्छा अमल नहीं है, भले ही हमें कितना अच्छा अमल लग रहा हो। कुरान पढ़ना अच्छा काम है कि नहीं? लेकिन अगर उसी कुरान को आप रुकू में पढ़ने लगें, नमाज की हालत में, बताइए उस पर सवाब मिलेगा? या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं आप? तो अच्छा अमल वो नहीं जो आपको लग रहा है। अज़ान होती है, अज़ान का आखिरी जुमला होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कोई उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बढ़ा दे, कहने लगे नहीं यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कलमा भी मैंने पूरा कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी पूरा हो गया, बताइए अज़ान सही होगी कि सही मानी जाएगी? नहीं। क्यों? इसलिए कि आपको अच्छा लग रहा है लेकिन शरीयत को नहीं अच्छा लग रहा है। वो जो शरीयत को पसंद आए वो अच्छा अमल है। और एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह ने अहसनु अमला कहा है, अक्सरु अमला नहीं। अहसनु अमला के माना होता है बेहतरीन अमल, और अक्सरु अमला का माना होता है ज्यादा अमल। अल्लाह को बेहतरीन अमल पसंद है, ज्यादा नहीं। यानी अल्लाह की नज़र में क्वालिटी की अहमियत है, क्वांटिटी की नहीं। आज हम भी बाज़ार में जाते हैं तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान ढूंढते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं कि इससे और बढ़िया मिल जाए, इससे और अच्छी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी अच्छे आमाल पसंद हैं, अल्लाह की नज़र में क्वालिटी की अहमियत है, क्वांटिटी की नहीं। मिसाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात तरावी पढ़ा करते थे, 3 वितर हुआ करते थे, 11 रकात है, ये क्या है? ये अहसनो अमल है।
लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल कर रहे हैं, पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं। ये क्या है, ये अहसनो अमला नहीं, ये अक्सरो अमला है। अल्लाह को अहसनो अमला पसंद, अक्सरो अमला नहीं। अल्लाह की नज़र में क्वालिटी की अहमियत है, क्वांटिटी की नहीं। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया दुनिया के अंदर? इसलिए कि हम आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह फरमाता है वत्तकु यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम सारे के सारे लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाएगा, मेरे सामने लाया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करूं, कुरान करीम की पहली आयत कौन सी है? तो मेरा ख्याल है कि अक्सर लोगों को मालूम होगा, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फटाक से बता देंगे, मुझे मालूम। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुरान करीम की नाजिल होने के एतबार से सबसे आखिरी आयत कौन सी है, तो शायद कुछ लोग बता पाएं, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। वही आयत जो मैं बार बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ, वत्तकु यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम सारे के सारे लोगों को अल्लाह के सामने लाया जाएगा, उसके सामने हाजिर कर दिया जाएगा। अल्लाह कितना बड़ा हकीम है, उसने अपने कुरान के अंदर जो सबसे आखिरी आयत नाजिल फरमाई, उस आखिरी आयत के अंदर भी इंसानों को आखिरत याद दिला दी। ऐ मेरे बंदो, जब तुम मेरे पास में आना तो इस आखिरत की तैयारी करके आना। आखिरी आयत के अंदर आखिरत को याद दिलाया जा रहा है। जब इंसान किसी को कोई बात बताता है, जो सबसे अहम पॉइंट होता है, जो सबसे अहम नुक्ता होता है, जो सबसे अच्छी बात होती है, उसको सबसे लास्ट में बताता है, ताकि पिछली वाली बातें अगर इसके जहन से निकल भी जाएं, लेकिन ये जो मैं आखिर में बता रहा हूं, कम से कम ये तो इसको याद रह जाएगी। अल्लाह ने आखिरी कुरान करीम की आखिरी आयत के अंदर आखिरत का जिक्र फरमा दिया, वत्तकु यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से तुम सारे के सारे लोगों को जिस दिन अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया जाएगा। अच्छा, अल्लाह के सामने हाजिर कर दिया जाएगा तो होगा क्या वहां पर? आगे अल्लाह फरमाता है सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर तुम्हारी हर चीज़ का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, तुम्हारे आमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, तुम्हारे करतूतों का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुम दुनिया के अंदर जैसे भी गए होगे, जैसे भी ज़िंदगी गुजार के गए होगे, सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, हर चीज़ का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अगर नेक बन के ज़िंदगी गुजारी होगी तो उसका भी पूरा पूरा बदला मिलेगा। अगर गुनहगार बनकर बदकिरदार बनकर, अगर बददीन बनकर दुनिया से ज़िंदगी गुजार के गए होगे, वहाँ भी उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। ऐ अल्लाह, ज़रा मुझे बता तो सही किस तरीके से पूरा पूरा बदला मिलेगा। अल्लाह का कुरान कहता है फमैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमैयामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आधी रात का वक्त है, इंसान अपने कमरे के अंदर है और लाइट भी बंद है, कोई देख भी नहीं रहा है, इंसान लेटा हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में सोच रहा है, अल्लाह की नेमतों के बारे में सोच रहा है, इंसान सारी की सारी चीजों के ऊपर गौर फिक्र करता जा रहा है, और आखिर में सोचता है ऐ अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मैं नमाजी भी नहीं हूं, मैं रोजेदार भी नहीं हूं, मैं हाजी भी नहीं हूं, ऐ अल्लाह मैं कुरान भी नहीं पढ़ता हूं, कुरान की तिलावत भी मुझसे नहीं होती है, ऐ अल्लाह मैंने कितने गुनाह किए हैं, कौन सा गुनाह ऐसा है जो मैंने किया नहीं है, यही सोच रहा है। और यही सोचते सोचते वो अल्लाह से डर गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, किसी को पता न चला। और जब वो सोया और सोने के बाद में जब वो उठा, उसकी जिंदगी चलती रही, आज वो अल्लाह के सामने खड़ा है। अब बता मेरे बंदे, तू क्या लेकर मेरे पास में आया है, कौन सी चीज तेरे पास में है? इंसान चुपचाप खड़ा है, परवरदिगार मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है फमैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर एक जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी तो कयामत के दिन उसको भी देख लेगा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, तेरा वो सजदा जो तूने
نے اندھیری رات میں میرے سامنے کیا تھا، تیرا وہ رونا جو تو اندھیرے رات میں اور اپنے کمرے کے اندر لائٹ بجھا کر سارے لوگوں سے چھپ کر تو میرے سامنے رویا تھا، یہ دیکھ میرے بندے آج تیری وہ نیکی بھی یہاں پر حاضر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کر کے جاؤ گے اللہ اس کو تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان گناہ کرتا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ چلو میرے شہر کے اندر لوگ دیکھیں گے تو میری بدنامی ہوگی، شہر سے باہر جا کر گناہ کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی سوچ رہا ہے دن کے اجالے میں اگر گناہ کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، رات کا اندھیرا ہونے دو تب گناہ کریں گے۔ شہر میں کرو، شہر سے باہر کرو، یا اندھیرے میں کرو یا اجالے میں کرو، کسی بھی وقت بھی گناہ کیا ہوگا، اللہ کی نظر سے کوئی گناہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ کل قیامت کے دن اس کو بھی تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کون سے گناہ کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ نوجوانوں ذرا غور سے سنو، آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور نوجوان تو چھوڑیے، لڑکوں کو تو چھوڑیے، آج لڑکیوں کے ہاتھ میں بھی ان کے ماں باپ نے موبائل پکڑا دیا۔ آج نہ ماں باپ کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ باپ کو کوئی فرق پڑتا ہے، لڑکیاں بھی موبائل چلا رہی ہیں، لڑکے بھی موبائل چلا رہے ہیں، اور ان موبائلوں کے ذریعے سے کتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں یہ کوئی ڈھکی اور چھپی بات نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پر ایک ٹچ کرنے سے، موبائل کے اوپر ایک بار ٹچ کرنے سے دنیا کی ساری اچھی چیزیں بھی کھل سکتی ہیں اور دنیا کی ساری بری چیزیں بھی کھل سکتی ہیں، آپ کیا کھولتے ہو؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کے کیمرے سے نہیں بچ سکتے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، آنے والے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والا دن سمجھتے ہیں آپ، آج جمعہ کا دن ہے، اگلا دن ہفتہ ہے، سنیچر کا دن ہے، یہی دن نا؟ نہیں، اس کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ آنے والے دن کی بات نہیں، یہ اس آنے والے دن کی بات چل رہی ہے کہ جب وہ دن آئے گا پھر اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا۔ ابھی تو جمعے کے بعد سنیچر آتا ہے، تو سنیچر کے بعد اتوار بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد سوموار بھی آتا ہے، یہ اس آنے والے دن کی بات چل رہی ہے، جب وہ دن آئے گا اس کے بعد پھر کوئی دوسرا دن نہیں آئے گا، اس دن کی بات چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر انسان سوچ لے کہ ہم نے آنے والے دن کی کیا تیاری کی ہے، آنے والا دن کون سا ہوگا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے واتقوا یوما، وہ دن تو ایسا ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفا، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یوخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی رشوت اور فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کی وہاں مدد کر پائے گا۔ اس دن کی بات چل رہی ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے آنے والے دن کے لیے، ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، آج ہماری ساری زندگی دنیا کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، دنیا مل جائے، دنیا بن جائے، دنیا سنور جائے، دنیا اچھی ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور اسی دنیا کے بارے میں
अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह नहीं कितनी जगह कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, गौर से सुनो। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन वलहब, ये दुनिया की जिंदगी बड़ी प्यारी है ना, सुनिए। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन वलहब, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। क्या बताया अल्लाह ने, खेल और तमाशा बताया। मैं इसको थोड़ा और तफसील से बताता हूँ। मोबाइल में गेम होते हैं, अरबी में जिसको लाइट बोलते हैं उसी को खेल बोलते हैं, उसी को गेम बोलते हैं। मोबाइल में गेम खेलते हो ना, खेलते होगे। उसकी स्टेज होती है, एक स्टेज पार की, दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज पार की, तीसरी स्टेज, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और लास्ट में जाके जब गेम पूरा हो जाता है तो लिख के आता है गेम इज ओवर। बोलो आता है कि नहीं आता है? गेम इज फिनिश, जिसको हम लोग साधारण जबान में कहते हैं खेल खत्म। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी को क्या बोला है, बोलो क्या कहा है? खेल, और खेल खत्म होता है। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन वलहब, दुनिया की जिंदगी खेल है, और जिस तरीके से लास्ट में गेम खेलते हैं तो लिख के आता है गेम इज़ फिनिश, गेम इज़ ओवर, गेम ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से ये दुनिया की ज़िंदगी, इसके भी स्टेप हैं। बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर स्टेप ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद लिख के आता है कि खेल ख़त्म हो चुका है, गेम इज़ ओवर हो चुका है, गेम ख़त्म हो गया। और मैं आपको बताऊँ, आगे अल्लाह फरमाता है वल्लहब, लहब के माना तमाशा होता है, लहब के माना खेल और लहब के माना तमाशा। ये तमाशा क्या होता है, आपने ड्रामा देखा होगा, कोई सीरियल देखा होगा, या कहीं पढ़ा होगा, या किसी ने आपको बताया होगा। उसमें क्या होता है, ड्रामों में, जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा है, उसमें एक बादशाह बन गया, गौर से सुना, उसमें कोई बादशाह बन गया, किसी को वज़ीर बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को राजा बना दिया, किसी को रानी बना दिया, किसी को शहजादा, किसी को जल्लाद, किसी को सिपाही, किसी को फौजी। ड्रामों में यही तो होता है ना, सबको बना दिया जाता है। लेकिन जब वो दो घंटे का, ढाई घंटे का, पाँच घंटे का, दस घंटे का, जितने भी टाइम का वो ड्रामा हो, जब वो तमाशा ख़त्म हो जाता है, जब वो ड्रामा ख़त्म हो जाता है, तो हमने अपनी आँखों से देखा जो बादशाह का कैरेक्टर अदा कर रहा था, अब वो बादशाह नहीं रहता, वो अपने कॉस्ट्यूम से बाहर निकल आता है। जो राजा होता है, अब वो राजा नहीं रहता, क्योंकि ड्रामा जब तक था, तमाशा जब तक था, तब तक वो राजा का प्ले कर रहा था, राजा बनकर रह रहा था, लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका है, अब ये राजा राजा नहीं रहा, बादशाह बादशाह नहीं रहा, रानी रानी ना रही, वजीर वजीर नहीं रहा, अमीर अमीर नहीं रहा, फौजी फौजी नहीं रहा, जल्लाद जल्लाद नहीं रहा। अल्लाह फरमाता है इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन वलहब, ये दुनिया की ज़िंदगी भी एक तमाशा है। हमने यहाँ पर किसी को बादशाह बना दिया, किसी को हमने वजीर बना दिया, यहाँ पर हमने किसी को अमीर बना दिया, यहाँ हमने अलग अलग लोगों को बना दिया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारा का सारा टाइम खत्म हो जाएगा। वत्तकु यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, और उसके बाद तुम सारे के सारे लोगों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। अब जो दुनिया में बादशाह था, अब वो बादशाह नहीं है, अब जो वजीर था, वो वजीर नहीं है, जो सिपाही था, वो सिपाही नहीं है, वो तो उतनी देर के लिए था, अब यहां पे तो सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, अब तुमने जो किया है उसका बदला दिया जाएगा। समझ में आया कुछ? इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन वलहब, इतना है बस, खेल है और तमाशा है। नौजवानों सुनो जरा, एक सहाबी रसूल है, नाम है जिनका हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला, नाम सुना है? सुना होगा। इनके बारे में एक बात बताऊं आपको, ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में आता है कि इनकी शक्ल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, इनकी शक्ल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी,
अब जब मैंने ये कह दिया कि इनकी शक्ल प्यारे नबी से मिलती थी, तो बताओ मुझे क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि ये सहाबी कितने खूबसूरत होंगे? बोलो, ज़रूरत है मुझे बताने की? जिसकी शक्ल नबी से मिलती हो, अल्लाह अकबर, कायनात का सबसे हसीन इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे अगर किसी की शक्ल मिल जाए तो ये बताने की मुझे ज़रूरत अब नहीं है कि वो कितने खूबसूरत होंगे। खूबसूरत हैं, नौजवान हैं और मालदार भी हैं। इतने मालदार कि हम और आप अगर कपड़े पहनते हैं तो हमें अगर पसंद नहीं भी आता है तब भी सोचते हैं लाओ 6 महीने तक तो कम से कम इसको चला लें, उसके बाद इसको हटा देंगे। कोई 1 साल तक भी चलाता रहता है, कोई 2 साल तक भी अपने कपड़ों का इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन ये वो नौजवान हैं, एक मर्तबा जो कपड़ा पहन लिया करते थे, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सारी ज़िंदगी दोबारा फिर उस कपड़े को पहनते नहीं थे। इतने मालदार, खूबसूरती कितनी वो मैंने आपको बता दी, मालदारी कितनी ये मैंने आपको बता दी, और नौजवान सहाबी हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है, इनकी सीरत लिखने वालों ने लिखा, जिस गली से ये निकल जाया करते थे और बाद में जब कोई वहाँ से गुज़रता था तो पता कर लेता था कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर का गुज़र हुआ है, क्योंकि मक्का के अंदर उनसे ज़्यादा कीमती खुशबू कोई लगाता ही नहीं था। उस खुशबू को सूंघ कर पहचान लिया करते थे कि मुसअब बिन उमैर यहाँ से निकले होंगे। इतने अमीर, इतने खूबसूरत, एक मर्तबा जो कपड़ा पहन लें सारी ज़िंदगी नहीं पहनते थे। हम लोगों के पास में कपड़े होते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डेली यूज़ में ये कपड़े पहनेंगे, ये जूते पहनेंगे, ये चप्पल पहनेंगे। कहीं शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है तो ये वाले पहनेंगे। बोलो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हाँ, इनके बारे में आता है कि मक्का वाले जिन कपड़ों को फंक्शन, शादी और किसी पार्टी और किसी दूसरे ख़ास मौक़ों पर पहनते थे, ये डेली यूज़ में उसको इस्तेमाल करते थे, रोज़ाना उसको इस्तेमाल करते। क्या शान रही होगी, क्या नाजो अंदाज रहा होगा मुसअब बिन उमैर का। लेकिन ये कब तक था? ये जब तक था जब तक दुनिया की हकीकत और ज़िंदगी का मकसद मालूम नहीं था। आज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुँचे और ये मालूम हुआ, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, ज़िंदगी का मकसद समझ में आ गया, ज़िंदगी की हकीकत समझ में आ गई। इलमु अन्नमल हयातुद्दुनिया लअबुन वलहबुन, दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। वज़ीनतुन वतफाखुरुन, आपस में ज़ीनत इख्तियार करने, एक दूसरे से बढ़ जाने, माल में औलाद में बढ़ जाने के अलावा कुछ नहीं है। आज दुनिया की ज़िंदगी समझ में आ गई, ज़िंदगी का मकसद समझ में आ गया, दुनिया की हकीकत समझ में आ गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, यही वो सहाबी हैं मुसअब बिन उमैर। प्यारे नबी ने देखा, आज जिस्म के ऊपर एक पुरानी सी चादर है और वो जगह जगह से फट चुकी है, उस पर जगह जगह से पैबंद लगे हुए हैं। प्यारे नबी की नज़र पड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ज़रा देखो तो सही, ये मक्का का वो नौजवान है जिससे ज्यादा कोई नाज़ो अंदाज़ के अंदर मक्का के अंदर रहता नहीं था, आज इसकी हालत तो देखो। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी दौड़े दौड़े आए और आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मुसअब बिन उमैर का इंतकाल हो चुका है, कफन दिया जा रहा है, चादर छोटी पड़ रही है। अल्लाह के नबी जब सर ढांकते हैं तो पैर खुल जाते हैं और जब पैर ढांकते हैं तो सर खुल जाता है, क्या करे, इन गुतिया बिहारा सुहू बदतरी बुखारी के अल्फाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे साथी के सर को ढांक दो और पैरों के ऊपर घास रख दो और इसी हालत में इनको दफन कर दो। आज जिंदगी का मकसद समझ में आ गया, जिंदगी की हकीकत समझ में आ गई, अल्लाह को राजी करना, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम जिंदगी है। सुम्मा तुवफ़ा कुल्लु नफ्सि मा कसबत, हर चीज़ का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये माल काम नहीं आएगा, ये औलाद काम नहीं आएगी,
वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है तुम्हारा माल तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह से करीब नहीं कर पाएंगी। इल्ला मन आमना वामिला सालिहा, हाँ अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो कयामत के दिन तुम अल्लाह के करीबी बनना चाहते हो अल्लाह के करीब होना चाहते हो। इल्ला मन आमना वामिला सालिहा, तो ईमान लेकर आना और नेक अमल करके दुनिया से आना। अल्लाह का कुरान कहता है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलादें तो सिर्फ दुनिया की जीनत है, दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाकियातु सालिहातु खैर इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला, हाँ अल्लाह के पास में जो बाकी रहने वाला है वो तुम्हारे नेक आमाल है। तो अभी कुछ समझ में आया कि दुनिया के अंदर हमें क्यों भेजा गया? आखिरत की तैयारी करने के लिए हम आए यहां पे सिर्फ इसीलिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, हम दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, हम आखिरत की नहीं दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। हम जितना दुनिया को हासिल करने में लगे रहते हैं उसका 5% भी कभी हमने सोचा कि आखिरत की भी कुछ तैयारी कर लें? 5% छोड़िए, कितने तो ऐसे हैं 1% भी नहीं सोचते उसके बारे में। वो एक जगह मैंने एक बार तकरीर में कहा था, वो तकरीर हमारी YouTube पर मौजूद है, मैंने कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको 24 घंटे दिए। आपने कल 24 घंटे गुजारे होंगे, मैंने भी गुजारे, ऐसा तो नहीं है कि मैंने 24 घंटे गुजारे अल्लाह ने आपको 18 घंटे दिए, ऐसा तो नहीं है ना। 24 घंटे आपने भी गुजारे, 24 मैंने भी गुजारे, सारे लोग जो कल मौजूद थे दुनिया के अंदर सब ने 24 घंटे गुजारे। अगर मैं आपसे पूछूं आपने इन 24 घंटों में क्या किया? खाना खाया? खाया। पानी पिया? पिया। सोए? हाँ सोए। बीवी बच्चों से मिले? मिले। काम किया? किया। कारोबार किया? किया। सारे काम किए, कोई एक नेक काम किया? पूरे 24 घंटे गुजर जाते हैं, इंसान एक नेक काम भी नहीं कर पाता। बोलो ऐसे लोग मौजूद हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? हाँ। तो ये तैयारी है आखिरत की? ये आखिरत की तैयारी है। हम दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया के पीछे लगे हुए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो, वो तिर्मिज़ी की रिवायत है। सहाबी रसूल बयान करते हैं हम एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, रास्ते में बकरी का एक मरा हुआ बच्चा पड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सखलतिल मैता, उस मुर्दार बच्चे के पास में जाकर खड़े हो गए। आप उसके पास रुक गए, उस मुर्दार बकरी के मरे हुए बच्चे के पास में खड़े हो गए। आपने सहाबा इकराम से कहा ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई इसको ख़रीदना चाहता है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ख़रीद कर क्या करेंगे, ये तो मरा हुआ है। प्यारे नबी ने फरमाया कि चलो मैं सस्ता लगा लूँगा, कम पैसों में दे दूँगा, कम पैसों में ले लो। कहा अल्लाह के नबी ये तो कम पैसों में भी मेरे लिए महंगा है, ये मेरे किसी काम का ही नहीं है। आपने फरमाया चलो ठीक है एक दिरहम का ही खरीद लो। कहा अल्लाह के नबी अगर ये आप मुझे फ्री में भी दे दें तब भी ये मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये तो मरा हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से तुम्हारी नज़र में इस मरे हुए बच्चे की, बकरी के मरे हुए बच्चे की तुम्हारी नज़र में कोई वैल्यू कोई अहमियत नहीं है, फद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़िही, अल्लाह की नज़र में ये दुनिया इससे भी ज़्यादा जलील है, अल्लाह की नज़र में इसी तरीके से इस दुनिया की भी कोई वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नज़र में इसकी भी कोई वैल्यू नहीं जैसे तुम्हारी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं। और प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की कोई हैसियत होती अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को एक घूंट पानी तक नहीं पीने देता। वैल्यू ही नहीं है तो जो चाहो जो करो,
जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, जैसा चाहे रहे, अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत होती तो छूना मत, यह चीज़ हमारी है, ऐसी तो बोलते ना हम लोग। अल्लाह की नज़र में दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। तो हमें भेजा किस लिए गया? आखिरत की तैयारी के लिए। आखिरत की फ़िक्र कीजिए, दुनिया तो कटी जाएगी, ये तो कटी जाएगी, तो सबकी कटती है। 20 साल 40 साल 50 साल 70 साल 80 साल हंस कर रो कर किसी न किसी तरीके से कटी जाती है, अमन से, सुकून से, खौफ से, दहशत से, किसी भी तरीके से कटेगी, लेकिन फ़िक्र तो आखिरत की करनी है ना। और आखिरत इस दुनिया के मुकाबले में आखिरत क्या है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया क्या है, ये सही मुस्लिम की रिवायत हमें बताती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है और आखिरत की ज़िंदगी क्या है, फरमाया मत दुनिया फिल आखिरति इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इस्बाहु फिल यम्मी। तुम में से कोई आदमी समंदर के अंदर, दरिया के अंदर अपनी उंगली डाले, समंदर के अंदर, दरिया के अंदर अपनी उंगली को डाले और जब उसने उंगली को बाहर निकाला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फलयंजुर बिमा तरजिऊ, तो वो अपनी उंगली को देखे कि उंगली में क्या लगा हुआ है। उस उंगली के ऊपर जो दो बूंदें, तीन बूंदें या एक बूंद पानी की आई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ लोगों सुनो, ये तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी है, जो एक बूंद या दो बूंद तुम्हारी उंगली में लग गई है ये तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी है, और जो सामने ठाटे मारता हुआ समंदर तुम देख रहे हो ये तुम्हारी आखिरत की ज़िंदगी है। इस आखिरत की ज़िंदगी को बनाओ और इस दुनिया की ज़िंदगी के चक्कर में इस आखिरत को बर्बाद न करो। وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ। हर चीज़ का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई चीज़ बचेगी नहीं। आज हमारी नज़र में सिर्फ दुनिया रहती है, हाय दुनिया, हाय माल, माल कैसे आए, माल कैसे कमाया जाए, माल कैसे बढ़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लौ अन्न लिइब्न आदम वादियैन मिन मालिन, ये इंसान तो इतना बेसब्रा है, अगर इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दो वादियाँ भर कर भी माल दे दे। और एक रिवायत के अंदर आया वफ़ी रिवायत मिन ज़हबिन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को दो वादियां भर के सोना भी दे दे फिर भी इस इंसान की भूख मिट नहीं सकती, इसका लालच खत्म नहीं हो सकता, फिर ये क्या करेगा ला हब अयकुना माहुमा सालिसुन, ये तीसरी वादी को ढूंढने के लिए निकल जाएगा और ये सोचेगा कि ये तो दो वादियां हैं, चलो आगे चलकर देखते हो सकता है कि एक वादी और पैसों से, माल से, सोने से भरी हुई मिल जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में रिजल्ट सुनाते हुए फरमाया वला यमलौ नफ्सहु इल्ला तुराब, इंसान के पेट को तो कब्र की मट्टी ही भरेगी, इंसान के पेट को तो सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है। लालच है इंसान के अंदर, चाहता है कि मिले, ज्यादा आए, लेकिन ये ज्यादा आपके सर में सवार ना हो जाए। दुनिया कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दुनिया ही के लिए सब कुछ अपना मिटा देना ये गलत बात है। पैसा होना कोई गलत बात नहीं, पैसा कमाना भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन दुनिया हमारे दिमाग में घुस जाए, दुनिया हमारे दिल में घुस जाए, इस दुनिया को अपने हाथ पर, अपने पैरों पर, अपने कदमों पर रखो और आखिरत को अपने सीने पर, अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह दो, ये है असल मकसद। हम क्या करते हैं, एक वादी, दो वादी, तीन वादियाँ, माल 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 कैसे बढ़ेगा, और अल्लाह का कुरान क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये सूरत सुनी है ना, नमाजों में पढ़ी जाती है, मशहूर सूरत है, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये तुम्हारी ज़्यादती ने
ये तुम्हारे माल की ज्यादती ने कि ज्यादा मिल जाए ज्यादा मिल जाए। अलहाकुम तकासुर, तुम्हें हलाकत में डाल दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, यानी तुम मर गए, कब्रों के अंदर आ गए। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, माल माल माल, कैसे बढ़े कैसे बढ़े कैसे बढ़े। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा। देखो वही आयत पर ज़रा गौर कर लो, सुम्मा तुमफ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर तुम जो भी करके गए होगे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ये इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो जाएगा, अब रिजल्ट मिलेगा। दुनिया अमल करने की जगह थी, दुनिया तैयारी करने की जगह थी, अब यहाँ पर रिजल्ट मिलने की जगह है, ये अमल करने की जगह नहीं है। अब ये अमल, अब ये रिजल्ट दिया जाएगा, अब ये रिजल्ट हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, या वैलतना माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। नामे अमल हाथ में आ गया। या वैलतना माली हाजल किताब, आप कहेगा ये कौन सा रिजल्ट मुझे दे दिया गया, ये कौन सी किताब मुझे दे दी गई, ये कौन सा नामे अमाल मुझे दे दिया गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असाहा, इसमें तो कोई छोटा गुनाह भी नहीं बचा है, इसमें तो कोई बड़ा गुनाह भी नहीं बचा है, इल्ला असाहा, मगर इसके अंदर लिख दिया गया है। वजदू मामिलू हाजिरा, जो करके गया होगा सब देख लेगा। एक बात बताऊं आपको, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा काम कर रहा है। हम लोग कैमरे लगाते हैं ना तो लोग कितना संभाल के रहते हैं, कुछ लोगों को पता चल जाए यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो छींकते भी बड़े संभाल के, खांसी भी आती है तो बड़े संभाल के खांसते, क्यों? कैमरा लगा है, कोई देख ना रहा हूँ, है ना। लोग कहेंगे कैसा आदमी है, बड़ा बदतमीज़ है, इसको तो छींकने का भी तमीज़ नहीं, इसको तो खांसने का भी तमीज़ नहीं। उस कैमरे के डर से इतनी अपने अंदर तमीज़ पैदा करने की कोशिश करते हो और सही से रहने की कोशिश करते हो। ये दुनिया के कैमरे हैं, इनकी फाइलें ख़राब हो सकती हैं, इनकी फाइलें करप्ट हो सकती हैं, इन कैमरों की नज़र से बच भी सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरे से बच नहीं सकते। वह वजदू मामिलू हाजिरा, जो करके गए होगे सब पाओगे। उस कैमरे से बचने की कोई तदबीर हमारे पास नहीं। और एक आखिर बात मैं आपको बताता हूँ, आखिरत के ताल्लुक से बात चल रही। नामे आमाल हाथ में आएगा, कहेगा ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, हाय हाय हमारी बर्बादी, ये क्या मेरे हाथ में पकड़ा दिया गया, ये कौन सी किताब दे दी गई, कौन सा रिजल्ट दे दिया गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसमें ना कोई छोटा गुनाह बचा है ना कोई बड़ा गुनाह बचा है। इस आयत पर गौर करने की बात है, आज हम बड़े गुनाह को सिर्फ बड़ा गुनाह समझते हैं, छोटे गुनाह को गुनाह नहीं समझते। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि उसमें सगीरतन वला कबीरतन, ला सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असाहा, उसमें छोटा भी मौजूद होगा बड़ा भी मौजूद होगा। इसलिए जितना बड़े से बचने की कोशिश करते हैं उतना छोटे से भी बचने की कोशिश करो। यूं समझ लो कि बड़े गुनाह जहन्नम के अंगारे हैं और ये छोटे गुनाह जहन्नम की चिंगारियां हैं, और एक एक चिंगारी इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, महल के बराबर। समझ में आ रहा है कुछ? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों भेजा? आखिरत की तैयारी के लिए। तो दुनिया को अपने दिमाग से निकालो, आखिरत को अपने दिमाग और दिल के अंदर जगह दो और उसकी तैयारी करने की कोशिश करो। अब एक आखिरी बात बता के बात ख़त्म करता हूँ। जब ये नामे आमाल हाथ में मिलेगा, अब अफसोस होगा और अफसोस की वजह से कहेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया, ए काश ये मुझे दिया ही ना गया होता,
वला मदरी मा हिसाबिया, और मेरा हिसाब किताब न लिया गया होता। या लैताहा कानतिल काजिया, और काश मेरी मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता और आज मुझे अल्लाह के सामने खड़ा न किया गया होता। या लैताहा कानतिल काजिया, और काश मेरी मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता। हलक मा अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल मेरे काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी हुकूमत मेरे काम नहीं आई। मेरा ओहदा मेरे काम नहीं आया, मेरा रौब मेरे काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, या लैताहा कानतिल काजिया, एकाश जब मैं पहली बार मरा होता उसी मौत ही ने मेरा काम तमाम कर दिया होता और आज मुझे अल्लाह के सामने खड़ा ना होना पड़ता। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, लेकिन अल्लाह के सामने तो खड़ा होना है और हर चीज़ का वहाँ पे पूरा पूरा बदला मिलना है। तो आखिरत की तैयारी कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहिए। आखिरत की तैयारी कीजिए, आखिरत की फ़िक्र कीजिए। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, वरना सहाबा किराम की ज़िंदगियों की से आपको मैं मिसाल देता कि वो किस तरीके से आखिरत की तैयारी करते थे और किस तरीके से उनको आखिरत की फ़िक्र रहा करती थी। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान और हदीस को समझने की उस पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बिल आलमीन। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।